झारखंड के गढ़वा जिले के सिविल सर्जन सहित सारे डॉक्टर और अस्पताल कर्मी झामुमो के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। हड़ताली चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों ने दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि सदर अस्पताल कर्मी समेत सभी डॉक्टर काला कपड़ा लगाकर हड़ताल पर बैठे हैं, जहां सभी डॉक्टर एवं अस्पताल कर्मियों ने झामुमो के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर गुंडागर्दी एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है। गढ़वा सिविल सर्जन ने आरोप लगाते हुए बताया कि गढ़वा जिला परिषद अध्यक्ष, 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष समेत कई झामुमो के कार्यकर्ता दलबल के साथ लगभग 50 की संख्या में आए और जबरदस्ती अस्पताल कर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगे। वहीं मारपीट के दौरान अस्पताल के कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मामला है कि कल 1 से 2 के बीच में जिला परिषद उपाध्यक्ष, 20 सूत्रीय के अध्यक्ष ये लोग आए हमारे पास, बोले कि डीपीएम और डीएस को बुलाइए, हमें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं पर बात करनी है। तो सारे लोगों को बुलाया गया। जब सभागार में मैं पहुंचा तो देखा कि वहां पर पहले से खचाखच भरा हुआ है, 60-70 लोग हैं। और बातचीत करने के क्रम में डीएस पर गलत आरोप लगाते हुए, एम्बुलेंस मुख्य वाहन उपलब्ध नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार और गाली गलौज दिया गया। साथ ही बोला गया कि सरकार में हम हैं, हम झामुमो के कार्यकर्ता हैं, हमारी बातें जो हम कहेंगे वही आपको करना होगा। गाली गलौज, धक्का मुक्की, हाथ उठाने का भी प्रयास किया गया। यूं लग रहा था कि युद्ध क्षेत्र में परिणत हो गया है मेरा सभागार। किसी तरह हमने डीएस को वहां से निकाला। डीएस को निकालने के बाद हमें और डीपीएम को हमारे ही चैम्बर में नज़रबंद करते हुए सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए बोला गया। तो मैंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो वो अपना एक्सपर्ट बुलाए जो अपना माउस लेके आए हुए थे, उन्होंने उसको डिलीट किया। मुझसे कहा गया कि अगर आपने भगाया है और डीएस थाना गए हैं तो आप लोगों को हम लोग यहीं मार काट, सभी लोगों को काट के गाड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप पता कीजिए वो थाना गए हैं कि नहीं। मैंने फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने गढ़वा छोड़ दिया है, मैं डालकनगंज जा रहा हूँ। उसके बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ा। ये बिल्कुल गलत आरोप लगाया गया, जिसके बाद आईएमए और झांसा के संयुक्त तत्वाधान में आज सुबह बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सारे कार्यक्रम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सभी तरह की सेवाएं बंद रहेंगी, केवल इमरजेंसी सेवा हम लोग देंगे, प्राइवेट में भी रोगी नहीं देखे जाएंगे। इमरजेंसी सेवाएं पूरे ज़िले में चलेंगी और ओपीडी की सेवा पूरे ज़िले में ठप है। और मांग है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए झारखंड में और हमें सुरक्षा दिया जाए और दोषियों को पकड़ते हुए सुसंगत धाराओं में उचित कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आप? हम चरणबद्ध तरीके से लड़ेंगे। हम ओपीडी बंद किए हैं, कल हम लोग मौन जुलूस निकालेंगे, कैंडल मार्च करेंगे चरणबद्ध तरीके से। जैसे जैसे सिचुएशन आएगी मीटिंग बना के हम लोग और मीटिंग करेंगे, रणनीति तय करेंगे, मगर परिणाम आने तक हम संघर्ष करेंगे। अपने सुरक्षा के लिए हम अंत तक संघर्ष करेंगे जब तक हमें कोई परिणाम नहीं आता। कौन कौन लोग थे, उनका नाम वगैरह पता है? जिला परिषद उपाध्यक्षा महोदय थी, विश्वस्तरीय उपाध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्षा थी और विश्वस्तरीय के उपाध्यक्ष थे उनके। वहीं अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की वजह से दूर दराज से इलाज कराने आए मरीजों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। नहीं पा रहे हम लोग, डॉक्टर लोग हड़ताल पर है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बरदरी से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 52-53 किलोमीटर। अब देखना यह होगा कि अस्पताल कर्मियों की मांग आखिर कब तक पूरी होती है। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो डॉक्टर्स की हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।